आपको बता दें कि गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अब जन आधार सरकारी सुविधा पाने का नया आधार, जनता को राशन अब राशन कार्ड की जगह जन आधार से मिलेगा। बेहद महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, अब जन आधार सरकारी सुविधा पाने का नया आधार बन गया है। जनता को राशन अब राशन कार्ड की जगह जन आधार से मिलेगा, ये बेहद अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गहलोत सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी ये खबर कि अब जन आधार सरकारी सुविधा पाने का नया आधार बन गया है, जनता को राशन अब राशन कार्ड की जगह जन आधार से मिलेगा। इससे पहले हम देखते थे कि जनता को जो राशन था वो राशन कार्ड से मिलता था, पर अब ये राशन जन आधार कार्ड से मिलेगा। तो गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब जन आधार सरकारी सुविधा पाने का नया आधार बन गया है, जनता को राशन अब राशन कार्ड की जगह जन आधार से मिलेगा। सरकारी सुविधाएं पाने का नया आधार बना है जन आधार। गहलोत सरकार का ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण फैसला, जनता को राशन अब राशन कार्ड की जगह जन आधार से मिलेगा। जनता को राशन अब राशन कार्ड की जगह जन आधार से मिलेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है कि राशन अब राशन कार्ड की जगह जन आधार कार्ड से मिलेगा। तो जन आधार सुविधा पाने का एक नया आधार बना है, जन आधार सरकारी सुविधा पाने का नया आधार बना है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, किन प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए जो जन आधार है उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है कि जो जितनी सरकारी सुविधा जो प्राप्त करने का आधार है वो जन आधार होगा। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि प्रदेश की जनता को अब राज्य सरकार की ओर से जो दिया जाने वाला राशन है अब राशन कार्ड की बजाय जन आधार कार्ड से दिया जाएगा, यानी अब जन आधार ही राशन कार्ड की भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो जन आधार है इससे कई काम होंगे। राशन जो है वो मिलेगा, पेंशन जन आधार से मिलेगा, छात्रवृत्ति है वो जन आधार के माध्यम से दी जाएगी, और जो चिरंजीवी योजना जिसमें 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज में का फैसला मुख्यमंत्री ने किया है, वह योजना भी जन आधार के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, यानी जिनका जन आधार होगा वही चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके लिए जो है अब जन आधार बनाने के लिए व्यक्ति अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, चाहे ई मित्र के माध्यम से हो, चाहे खुद भी जो SSO ID है उसके द्वारा जो है जन आधार को बनाया जा सकता है। और बड़ा फैसला है, अहम फैसला है जन आधार को लेके, क्योंकि अब जन आधार राशन कार्ड की भूमिका निभाएगा, और जैसे मैंने कहा चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे राशन मिलना हो, पेंशन मिलना हो, स्कॉलरशिप मिलना हो, ये तमाम काम जो है अब जन आधार कार्ड के माध्यम से किए जाएंगे। बिल्कुल, और नरेश आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जन आधार के द्वारा सरकारी सुविधाएं पाने का जो नया आधार बना है, निश्चित तौर पर आम लोगों को बड़ी सफलता इससे मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।